भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने प्रातःकाल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रक में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लें। शेष द्रव्य वस्त्र आभूषण गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करें। पंचामृत कषाय एवं शुद्ध गंध मोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। अग्नि में नित्य होम की भांति आवन करके भगवान के स्तुति प्रार्थना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावें। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्तिक की पूजा करें। द्वारपाल विष्णु कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करें। अतो देवाह इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्रीहरि की स्तुति प्रार्थना करें। हे कृष्ण आपको नमस्कार है, इस पवित्रक को ग्रहण कीजिए। ये उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय सीर आदि मंत्रों द्वारा पवित्रक का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाए, उनके रक्षाबंधन को हटाकर उन्हें पवित्र अर्पण करें और कहें, प्रभो मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है उसे आप ग्रहण करें, यह कर्म की पूर्ति का साधक है। अतः इस पवित्रारोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी ना होना पड़े। द्वारपाल योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं की पवित्र चढ़ाएं। इनमें कनिष्ठ श्रेणी का नाभि तक का पवित्रक द्वारपालों को, मध्यम श्रेणी का जांघ तक का लटकने वाला पवित्रक योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्रक गुरुजनों को दें। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला पैरों तक लटकने वाला पवित्र अर्पित करें। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्र चढ़ावे। अग्नि में होम करके अग्निस्थ विश्वादि देवताओं को पवित्र अर्पित करें। तदनंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित तक के उपदेश से पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तर शत तथा पांच उपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोर्थ शत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, गरुड़ध्वज ये आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव जैसे वनमाला आपके वक्ष स्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्रक के इन तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की हैं, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्मलोप का प्रसंग आया है वो सब आपको विदित है, वो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए, मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांग कर पवित्रक को मस्तक पर चढ़ा दें। फिर यथा योग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करें। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करें। स्नान काल में पवित्रक को उतार कर पूजा करें। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोकें और सबको अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रक मेरे इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो, विष्णु लोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोण के बीच में विक्वक्षेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मणों को दे दें। इस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्र युगों तक उपासक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णु लोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए साधारण पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए पवित्रारोपण की विधि सुनो। पहले जो चिन्ह कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों से युक्त पवित्रक देवता को अर्पित किया जाता है। उसके दो भेद होते हैं, स्वरस और अनलग। पहले निम्नांकित रूप से इष्ट देवता को निमंत्रण देना चाहिए।
जगत के कारणभूत ब्रह्मदेव, आप परिवार सहित यहाँ पधारें, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। कल प्रातः काल आपकी सेवा में पवित्र अर्पित करूंगा। फिर दूसरे दिन पूजन के पश्चात निम्नांकित प्रार्थना करके पवित्र भेंट करें। संसार की सृष्टि करने वाले आप विधाता को नमस्कार है, ये पवित्र ग्रहण कीजिए। इसे अपने को पवित्र करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है, ये वर्ष भर के पूजा का फल देने वाला है। शिवदेव, वेद वेत्ताओं के पालक प्रभो, आपको नमस्कार है, ये पवित्र स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपके लिए मणि मूंगे और मंदार कुसुम आदि से प्रतिदिन एक वर्ष तक की जाने वाली पूजा संपादित हो। पवित्रक, मेरे इस वार्षिक पूजा का विधिवत संपादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम स्वर्ग लोक को पधारो। सूर्यदेव, आपको नमस्कार है, ये पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से आपकी सेवा में अर्पित किया जाना है, ये एक वर्ष की पूजा का फल देने वाला है। गणेश जी, आपको नमस्कार है, ये पवित्रक स्वीकार कीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से दिया गया है, ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शक्ति देवी, आपको नमस्कार है, ये पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से आपकी सेवा में भेंट किया गया है, ये वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। पवित्रक का ये उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है, धन धान्य आयु तथा आरोग्य को देने वाला है, इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। ये श्रेष्ठ सूत प्रद्युम्नमय और संकर्षणमय है, विद्या संतति तथा सौभाग्य को देने वाला है, इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। ये वासुदेवमय सुत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को देने वाला है, संसार सागर से पार लगाने का ये उत्तम साधन है, इसे आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। ये विश्व रूपमय सूत्र सब कुछ देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है, भूतकाल के पूर्वजों और भविष्य की भावी संतानों का उद्धार करने वाला है, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम इन चार प्रकार के पवित्रकों का मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः दान करता हूँ।